नमस्कार, एखन हम छी झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में और हमरा संगे एहिठान स्थानीय जे विधायक छथि भारतीय जनता पार्टी के नीतीश मिश्र जी छथि और लगातार जे छै से कोविड के लऽ कऽ बहुत बेसी सक्रिय छथि, चाहे वो सोशल मीडिया पर होइ या फिर ओकरा से इधर जे छै से जमीन पर, चाहे वो अलग अलग जगह पर जे छै से आइसोलेशन सेंटर बनबेनाइ या फिर ओहिमे बेड लगबेनाइ, ऑक्सीजन सिलेंडर से लऽ कऽ तमाम तरहक जे छै से हिनकर गतिविधि लगातार छनि। एहि पिछला दू तीन दिनमे जे छै से क्षेत्रमे आबि कऽ एहि चरणमे खास कऽ जे छै से बहुत रास काज कयलनि, चाहे ओ पल्स ऑक्सीमीटर होइ या ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जे छै तकर सेहो किछु एहिठाम देलखिन हँ। एहिके बाद फेर दरभंगा जेतय तऽ की केना जे छै से हिनकर एहि बीचमे जे छै से ड्राइव रहलनि हँ, ताहिके विषयमे हम हिनकासँ जानकारी लेबनि। बहुत बहुत स्वागत अहाँके मिथिला मीडिया। बहुत धन्यवाद ललित जी। और की केना जे छै से कोविड के लऽ कऽ तऽ बहुत बेसी एक्टिव छी अहाँ, चाहे ओ जमीन पर होइ या सोशल मीडिया पर होइ, तऽ पिछला जे किछु एक्टिविटीज रहलै तकरा विषयमे हम किछु जानय चाहब। पिछला लगभग एक महिनामे जखन कोविड संक्रमण के विस्तार भेलै और हरेक जगह परेशानी में लोग रहला, तऽ हमरा सँ जतेक संभव भेल 24 घंटा फोन पर उपलब्ध रहलहुँ आ किनको कतौ अस्पताल में भर्ती कराबै के रहै ओहिमे हुनका सहायता पहुँचेलियनि। या जेना मधुबनी जिलामे अगर कोनो अस्पताल के या कतौ ऑक्सीजन के दिक्कत भेलै तऽ जिला प्रशासन के संगे मिलकर ऑक्सीजन कतौ उपलब्ध भऽ सकैया, या दरभंगा में, समस्तीपुर में, बेगूसराय सँ, तऽ एहि ढंग से ऑक्सीजन के सप्लाई मधुबनी के निरंतर भेटैत रहै, ओहिमे लगातार प्रयासरत रहलहुँ। और समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन के सुविधा लै कि कतौ अस्पताल छै, कतौ बेड छै, कतौ वैक्सीन लागतै, एहि सब के जानकारी लगातार साझा केलहुँ। आइ हमसब झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल में आयल छी नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका मैथिल मंच कऽ कऽ एकटा रजिस्टर्ड चैरिटेबल संस्था छै, जे मिथिला के लोग नॉर्थ अमेरिका में काज कऽ रहल छथि, ओ अपन संस्था बनेने छथिन और ओतय लोकल स्तर पर काज करै छथि। तो उनका से हमरा संपर्क स्थापित भेल लगभग एक सवा महीना पहिने और ओ सब इच्छा व्यक्त कलखिन कि नहीं, हम अपन मिथिला ले हम किस सब अतः करे ले चाहे छी। तो प्रथम फेज में वो सब तय कलखिन कि 25 कंसनट्रेटर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हम सब मिथिला क्षेत्र ले उपलब्ध करवावे ले चाहे छी। तखन एकटा समस्या एलै कि एकरा इंडिया कोना लायल जाए, क्याकि जे प्रोसेस छै और जे ढंग के डॉक्यूमेंटेशन के जरूरत है, तो दृष्टि फाउंडेशन जेकर संस्थापक सेहो मिथिला से छथि, उनका से हम आग्रह केलियनि और आइ वै कड़ी में 15 कंसनट्रेटर अखन हमरा उपलब्ध भेल है नॉर्थ अमेरिका मैथिल मंच और दृष्टि फाउंडेशन के माध्यम से, जैमे 10 अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर के आइ दिलिए है और 5 कंसनट्रेटर दरभंगा में जो स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल छै जे कोविडो के ट्रीटमेंट कऽ रहल छथि, उनका उपलब्ध करा रहल छी। 10 कंसनट्रेटर अगला एक सप्ताह में एक्सपेक्टेड छै कि पटना आबि जेतै, ओकरो हमसब मिथिला क्षेत्र में जतय आवश्यकता हेतै ओतय हमसब पहुँचेबै। एकटा जिक्र अपने के लिए ऑक्सीमीटर के, भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही संगठन काज हमसब लगातार कऽ रहल छी। पिछलो साल कोविड के समय में बहुत काज हमसब केने रही, तो हमर सोच आयल कि क्याकि गाम सब में अचानक ऑक्सीजन जे लोग के कम होइ छै, तो लोग ओकरा समझ पावे के, जांच करवावे के सुविधा नहीं होइ छै, तो हमर सबके संगठन के शक्ति केंद्र के नाम से एकटा संरचना छै जे मूलतः पंचायत स्तर पर होइ छै। तो 45 शक्ति केंद्र जे हमरा झंझारपुर में अइ विधानसभा में, सब ओतय से एक एक प्रतिनिधि के हम ऑक्सीमीटर काल उपलब्ध करेलहुँ हैं, जेकर नंबर हम आइ से काल तक में सार्वजनिक करबै कि किनको आवश्यकता हेतन तो नंबर पर संपर्क कऽ कऽ अपन ऑक्सीजन के लेवल अहाँ जांच करा सकै छी। तेसर एकटा आर विशेष काज जे अखन हमसब केलहुँ हैं कि डिसइन्फेक्टेंट ले हरेक गाम में एकटा डिमांड रहे कि हम चाहै छी कि सैनिटाइजेशन के काज होय और छिड़काव होय, तो किछु कमी रहे, पंचायती राज विभाग के निर्देश रहे, लेकिन तखनो किछु कठिनाई होइत रहे, तो 41 सैनिटाइजेशन के मशीन हम झंझारपुर विधानसभा ले उपलब्ध करेलहुँ और ओकर जे लिक्विड ओमे लागते ओ जिला प्रशासन द्वारा ओ डिसइन्फेक्टेंट उपलब्ध छै। तो अब एक ढंग से आप गामों में अगर केओ अपन घर के सैनिटाइज करबै ले चाहे छथि या हाट बाजार के, तो आब ओ व्यवस्था हरेक ग्राम पंचायत में उपलब्ध रहत। तो एकटा छोट हमर प्रयास जे एहि संकट के समय में हम अपन लोग के संगे छी और आगू जतेक हमरा से संभव है हम ओकरा करे के निश्चित प्रयास करब। रामपट्टी कोविड केयर सेंटर में हमरा सब अंदर गेल छलहुँ हँ और हमरा लगैए शायद हम बिहार के पहिल जर्नलिस्ट रही ई सेकंड फेज कोविड में जे अंदर तक मरीज तक जाकर जे छै से हम सब या हमर टीम जे छै से बात केलक, आ ओहि के बाद जे छै से झंझारपुर में अहाँ सब शुरू केलिए। तऽ हालांकि ओ रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट छलै है, मुख्यमंत्री तक जे छै से संज्ञान लेलखिन ओहि रिपोर्ट के, किछु अनियमितता भेलै ओहि के बाद, कारण जे छै से भीड़ बहुत बेसी भऽ गेलै, तऽ झंझारपुर कोविड केयर एखन तक तऽ हमरा सब नहि पहुँचलहुँ हँ, तऽ एहिठुनका की स्ट्रेंथ छै और कोनो तरहक समस्या अहाँके नजरमे ओहिठाम? देखियौ, अखन तऽ मधुबनी में पूरा मधुबनी के भार
रामपट्टी कोविड सेंटर पर रहे और 5 अनुमंडल और 21 प्रखंड ले एकमात्र हमारा सबके कोविड केयर के हेल्थ सेंटर रहे। झंझारपुर में कोविड केयर सेंटर जरूर रहे और वही में प्रारंभिक रूप से 40 बेड रहे, बाद में ओकरा हम सब प्रयास कह के 80 बेड के लिए, लेकिन आब हमरा सबके ये जरूर भेल है कि रामपट्टी जेहन सुविधा तो ओतेक नहीं, लेकिन धीरे धीरे हम सब ओहि लेवल पर पहुँच जेबे। फुलपरास अनुमंडल और झंझारपुर अनुमंडल के लोग ले अब अररिया संग्राम जे ट्रॉमा सेंटर के भवन बनल छे तो ओत अब दुनू सेंटर हमर कार्यरत भ गेल। झंझारपुर में CCC कोविड केयर सेंटर चलित रहे और डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर जेना रामपट्टी के तर्ज पर दुनू शिफ्ट भ गेल अब अररिया संग्राम के ट्रॉमा सेंटर में। और हमरा पूर्ण विश्वास है हम ओत गेलो रही कि आवश्यकता ओत आर छे, जिलाधिकारी महोदय के हम आग्रह के लिए ने कि कुछ ओत और सुविधा बढ़ायल जाए, तो हमरा विश्वास है कि अगला किछ दिन के अंदर में जे ट्रॉमा सेंटर अररिया संग्राम छे ओत सुविधा भ जेतै और लोग के जे इम्हर आसपास कठिनाई जिनका हेतन झंझारपुर अनुमंडल में या फुलपरास में वो ओत अपन इलाज ले जा सके छे। और सरकार के एक व्यवस्था छे कि अगर ओत के केस अगर ओत कनी क्रिटिकल केस छे तो फिर हायर सेंटर पर रेफर होइ छे, तो लोग फिर DMCHO सरकारे के माध्यम से लोग ओत मरीज के पठावे छथिन। तो हमरा लागे ये कि धीरे धीरे जो अपन क्षेत्रक स्वास्थ्य व्यवस्था है विशेष तौर से कोविड के प्रारंभिक दौर में क्या कि अचानक एलै तो किछ प्रारंभिक स्तर पर भ सकैए कठिनाई भेल रहे, लेकिन आप धीरे धीरे हमर पूर्ण व्यवस्था ठीक भ गेल है और हमरा विश्वास है कि आगू आबे वाला समय में जिला प्रशासन जतेक तत्पर है चाहे टेस्टिंग के लऽ कऽ या वैक्सीन के लऽ कऽ या ट्रीटमेंट के लऽ कऽ ओहिमे हमसब मधुबनी जिला के काज बढ़िया रहत। एखन फेर जे छै से लगातार किछु दिन के अंतराल के बाद पुनः हमरा सब एक्टिव भेलहुँ हँ और एखन जे हमरा सबक कार्यप्रणाली है ताहिमे जे प्राइमरी सब ई अहाँके हेल्थ जते उप स्वास्थ्य केन्द्र छै ओहि हेल्थ सेंटर तक हमसब पहुँच रहल छी और अमूमन सबके स्थिति जे छै से जर्जर छै लगातार, मतलब कोनो हमरा फंक्शनल नहि देखाएल और स्थानीय लोक सबके जे छै से ई शिकायत छनि जे 45 सँ ऊपर के जे वैक्सीनेशन छै ओ तऽ ओहिठाम भऽ रहल छै लेकिन ओहिसँ नीचे 18 सँ जे 45 छै तकरो किछु एहन तरहक पंचायती स्तर पर व्यवस्था कयल जाए। नहीं, बढ़िया बात है, अपने गौर करबे कि जे 45 आयु वर्ग से बेसी उम्र के जिनकर वैक्सीनेशन होइ के छन तो अब धीरे धीरे गाम स्तर पर सेंटर लागि रहल है वो शुरू भ गेल है और 18 प्लस वाला क्याकि जे ढंग से हमर वैक्सीन के उपलब्धता हुई है तो ओकर फिक्स साइट छे जे प्राय प्रखंड के मुख्यालय पर छे तो ओत निरंतर चल रहल है। जिलाधिकारी के संगे लगातार संपर्क में छी और हमरा लागे कि जिला प्रशासनक के कार्य योजना में एतेक जरूर छे कि 45 प्लस वाला प्रत्येक गाम में हमर सबके वैक्सीन के सेंटर हमर लागत और किछ समय के अंदर में 18 प्लस ले जे अखन प्रारंभिक स्तर पर खाली प्रखंड मुख्यालय में छे वो आगू गाम स्तर पर ओकरो हम लोग लऽ जेबे, क्या कि सरकार के उद्देश्य छे कि प्रत्येक व्यक्ति हमर प्रत्येक नागरिक के वैक्सीन लाग जाए वो सुरक्षित रहथिन। तो प्रयास में जाब तक हम गाम स्तर पर हम नहीं जाइ छी, पंचायत स्तर पर हम नहीं जाइ छी, ताब तक वो टास्क पूर्ण नहीं हेतै। अंतिम सवाल जे छै से ई, चूँकि अहूँ कोविड पॉजिटिव रहल छलहुँ हमहूँ रहल छलहुँ हँ और एहि बेर का जहाँ तक बात छै तऽ किछु सरकारी आँकड़ा के हिसाब से ई जरूर छै जे आँकड़ा किछु कम भऽ रहल छै, मुदा अवेयरनेस के लेल एकटा जे अपन जे लोकल लोक सब छथि बहुत लापरवाही करै छथिन तऽ हुनका सबके की कह चाहबनि? नहि देखियौ, हम जे अपन अनुभव कहै छी, कियाकि अहाँ ठीके कहलियै हमहूँ कोविड पॉजिटिव भेल रही, अगर प्रारंभिक स्तर पर अहाँ ट्रीटमेंट शुरू कऽ दै छी जे हम अपन एतऽ कमी देख रहल छी कि बहुत लोग के लागै छै नहि सामान्य सर्दी खांसी छै सामान्य बुखार छै वएह ठाम हमरा सबसँ कनिक गलती भऽ जाइए। तो अगर प्रारंभिके स्तर पर अहाँके लागैए कि हमर कनिको मोन खराब है तऽ ओकर जे ट्रीटमेंट छै अहाँ तुरंत डॉक्टर से संपर्क करू और दवाइ अहाँ शुरू करू, कियाकि 90-95% लोग घर में स्वस्थ भऽ जाइ छथि, हुनका अस्पताल जाइके जरूरत नहि पड़ै छै। हाँ, मास्क लगातार, कियाकि अखनो हम देख रहल छी कि बहुत लोग कनिक निश्चिंत भऽ जाइ छथि कि बिना मास्क के छथि, तऽ हमरा सबके हाथ में जतेक है अगर सरकार आ प्रशासन तऽ अपन हिसाब से अखन लॉकडाउन है लेकिन अगर हम लॉकडाउन के पालन नहि करै छी तखन अबैमे सरकार के सब जवाबदेही भऽ जाए, किछु हमरो और अहाँके जवाबदेही है कि ई एतेक पैघ जे वैश्विक महामारी छै जाबत तक प्रत्येक नागरिक सहयोग नहि करतै, अगर हम अपना आपके सुरक्षित राखै छी तऽ हमर परिवार सुरक्षित रहिए, परिवार सुरक्षित रहिए तऽ हमर गाम सुरक्षित रहिए, एहि सोचसँ हमसब काज करी। सार्वजनिक कार्यक्रम जे भऽ रहल है ओकरा अगर हमसब किछु समय आगू बढ़ा सकी, किछु संख्या कम सँ कऽ सकी, ई हमरा जरूर लागैए कि अखनो जे हम परसू झंझारपुर के केस देखैत रही और लखनौर के केस देखैत रही, अखनो झंझारपुर में एक्टिव केस के संख्या छै और परसू तक लगभग 172-173 के आसपास एक्टिव केस रहे, लखनौर में लगभग 92 केस रहे, अखनो आवश्यकता है, भले लागैत हेतै कि कोरोना कम भऽ रहल है लेकिन कोरोना समाप्त नहीं भेलैए और कोरोना अखन लंबा समय तक
अगर हम वैक्सीनो लऽ लै छी तखनो हम सतर्क छी, हमहूँ लेने छी वैक्सीन लेकिन डबल मास्क हम लगेने छी, तऽ ई सुरक्षा हमरा आओर अहाँके जरूर करैके हैत। आओर हमरा लागैए प्रत्येक व्यक्तिके सजगताके सङ्गे अहाँ समयपर इलाज अहाँ लऽ लिअ, केकरो नुकसान नहि हेतै आओर सब गोटे स्वस्थ भऽ जेबै। हमर इएह अहाँके चैनलके माध्यमसँ सबसँ हम इएह आग्रह आओर निवेदन करबनि कि कखनो लक्षण किछु बुझाबै ओकरा इग्नोर नहि करियौ, तुरंत गंभीरतासँ लऽ कर ओकर उपचार करियौ। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके बात करबाक। बहुत धन्यवाद ललित जी। तऽ ई छलै हे नीतीश मिश्र, आओर निश्चित रूपसँ जे छै से बहुत रास जानकारी देलनि हँ, काफ़ी एक्टिव छथि आओर कुल मिलाकर जे छै से वएह बात छै जे दवाई आओर कड़ाई दुनू, तऽ ताहि दुआरे जे छै से ज़रूरत छै जे सजग रही, स्वस्थ रही। कारण जे छै से एखन अगर अहाँ अपना परिवारके आओर अहाँ अगर स्वस्थ रहि रहल छी तऽ हमरा लगैत अछि इहो एकटा जे छै से राष्ट्र सेवा छै। सहयोगी स्नेहा झा के सङ्ग ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, अनुमण्डल अस्पताल, झंझारपुर।